तो एक अंडरलाइंड रोमांस तो चल ही रहा है दोनों का, दोनों एक दूसरे को पूरा बहुत छेड़ता है थपकी को, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा भी थपकी को परेशान करना। तो अब फाइनली वो लोग करीब आ रहे हैं और कुछ एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है न्यू ईयर्स के लिए। तो हाँ, तो डांस करते करते थपकी की आई थिंक द हील ब्रेक्स ऑफ, तो वहाँ पे आई हैव टू कम इन एंड आई पिक हर अप ताकि वो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए, उसको दर्द भी हो रही है। तो लाइक आई हैव डन बिफोर, तो मैं हेल्प करता हूँ थपकी। तो थपकी मुझे न्यू ईयर्स का गिफ्ट देने वाली है और बता नहीं रही है क्या गिफ्ट है, तो मैं वही उससे पूछे जा रहा हूँ कि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही है जैसे ही द टाइम इज़ कमिंग नियर, 12 बजने वाले हैं, तो मैं बार बार पूछे जा रहा हूँ कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, और वो बता नहीं रही है, वो भी छेड़ रही है। तो देखते हैं बताती नहीं बताती। वो तो अभी होने वाला है, तो वो तो पता ही नहीं क्या होने वाला है, जब हो जाएगा तब बताऊंगा मैं आपको। बट बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा काफ़ी इंटेंस सा सीन है, उसमें भी इवेंचुअली यू विल गेट टू सी अ टच ऑफ रोमांस एंड केयर फॉर ईच अदर बिटवीन थपकी एंड पूरब। उसी का बता रहा हूँ मैं। तो एक छोटा सा एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे एक ट्रैजिक ट्विस्ट आता है जहाँ पे थपकी और पूरब और करीब आ जाते हैं एज इंडिविजुअल्स एंड एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लव्ड वंस। प्लीज़ स्टे सेफ और सारे प्रिकॉशंस लीजिए, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। बहुत टफ टाइम्स हैं ये एंड आई होप वी आर एबल टू यू नो स्टॉप दिस वेव फ्रॉम रीचिंग अस। और जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, हमारी भलाई के लिए सब। थैंक यू। Excuse me, attention everyone. मुझे आप सबको आज कुछ दिखाना है। और उसने बोला है उठाया